suggestion there, man. Ah, she's coming. Shos na ralais kar liya hoga ki shoot ko aur lamba khichne ka koi fayda nahi. Shaadi 2 hafte ke baad ek baat soch karna. Dar gayi hogi. Ab aakar sara sach mujhe batayegi. Ye sab kya hai, Shivay? आप विक्रम से मेरी शादी कराना चाहते हैं? Correction. विक्रम से शादी तुम करना चाहते हो? हाँ, लेकिन 2 हफ्ते बाद शादी की बात आपने छेड़ी थी ना? इतनी जल्दी आपको मेरी शादी की? तुम्हें तो खुश होना चाहिए अनिका. एक तो शादी जल्दी हो रही है, ऊपर से सारे अरेंजमेंट मैं कर रहा हूँ. तुम्हें क्या करना है? बस शादी में आना, अच्छे कपड़े पहनने और फिर लेने. That's it. ये सब आपको मजाक लगता है ना? शादी करना, शादी तोड़ना, डिवोर्स देना और फिर से शादी प्लान करना. होल्ड ऑन. अगर ये मजाक है ना, तो तुम भी जानती हो उस मजाक की शुरुआत किसने की. मानता हूं मैंने पहले गलती की, शादी तुमसे जबरदस्ती की, लेकिन उसी गलती को सुधारने जा रहा था. अगर उस दिन तुम वो सब नहीं करती ना, तो वी वुड हैव बीन हैप्पीली मैरिड. 3 महीने बाद तुम मुझसे मिलती हो और कहती हो तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई, और उसके बाद बार बार मैं तुमसे पूछता हूँ कि उसकी वजह क्या थी 3 महीने पहले जो हुआ, लेकिन तुम मुझे बताने से इनकार कर देती हो. जो कर रही हो वो तुम कर रही हो. अनिका, मैं क्या कर रहा हूँ? शादी तुम करना चाहती हो, मैं अरेंज कर रहा हूँ सिर्फ. आखिर ये मजाक है ना, तो बोल दो. मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं. आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? या आपको फर्क पड़ रहा है? अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो मुझे क्यों पड़ेगा? आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर 2 हफ्तों में मैं शादी कर लूंगी. सुनना क्या चाहती हो तुम अनिका? कि मैं कहूँ कि तुम शादी रोक दो? हाँ, I won't do it. I will not do it. तुमने कहा था ना, मेरी लाइफ है. अगर तुम विक्रम से शादी करती हो तो मैं कौन होता हूँ बीच में आने वाला? कौन? Who am I? सही कहना आपको. तुम्हें कुछ और कहना है? तुम्हें सुनो. मुझे कहना नहीं, मुझे सुनना है. आपको फर्क पड़ेगा या नहीं अगर मैं 2 हफ्ते बाद शादी कर लूंगी? चाहती हूँ मुझे फर्क पड़े. मैंने आपसे सवाल पूछा, हाँ या ना में जवाब दीजिए. अगर तुम्हें किसी और का हाथ थामने की हिम्मत है, I'd love to see it. कैसे करती हो अनेका? हाँ, छोड़ती कैसे हो वो तो मैं देख चुका हूँ, लेकिन हाथ किसी और का थामती कैसे हो फिर से? मैं देखना चाहता हूँ. आप सच में यही चाहते हैं? तुम चाहती हो ये? और अगर तुम चाहती हो ना, जस्ट डू इट. यू स्टार्टेड इट, नाउ फिनिश इट. ठीक है, फिर ऐसा ही होगा. मैं शादी कर लेती हूँ. क्यों? अब दोबारा क्यों पूछ रहे? क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में कोई सेकंड थॉट है तो बोल दो, वी कॉल इट ऑफ. अगर तुम मुझे बता दोगी कि 3 महीने पहले तुमने जो किया वो क्यों किया और उसकी वजह बता दोगी, तो आई टेक केयर ऑल ऑफ इट. आई जस्ट टेक केयर ऑफ इट. ओके, मतलब अब सब कुछ तब ठीक करेंगे अगर मैं आपको बता दूं कि 3 महीने पहले मैंने वो सब क्यों किया. शर्तों पर रिश्ते नहीं निभाए जाते शिवाय. रिश्ते जिद में भी नहीं निभाए जाते अनिका, और तुम जिद में एक नया रिश्ता बनाने चली हो. ठीक है, छोड़ देते हैं ये सब. मेरी शादी कराने का बहुत शौक है ना आपको, शुरू हो जाइए.
दो हफ्तों में मेरी शादी। तो सच में शादी करने को तैयार हो गई? तुमने पूछा था ना मुझसे मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है? ये जब आप मेरी पेंटिंग्स तुम्हें देखी। कहना क्या चाह रहे हैं? जो बात कही ना जाए उसे कहना जरूरी नहीं। हमारे चले जाने से हम खुद को ढूंढ पाए, अपने अंदर के कलाकार को जगा पाए। Great exhibition. Thank you, sir. I hope you guys are happy. Yeah. बस एक लास्ट काम, ये सारी पेंटिंग्स ध्यान से घर पहुंचाइएगा। Sure, sir. Yeah, thank you. We'll do that, sir. Thank you. Thank you. Yes. गौरी का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? रुद्र भी ना, उसके प्लान्स उसी की तरह है, बेवकूफ। हेलो, फाइनली तुम्हारा कॉल आ गया। वाह, मेरे फोन से आपको इतनी खुशी हुई? ये जान के मुझे भी बहुत खुशी हुई। It's you. Oh, oh. तो आपको लगा होगा कि चुलबुल भाभी ने फोन किया है, हाँ? एक मिनट, इसका मतलब भाभी ने अभी तक आपको फोन नहीं किया? Shut up, Rudra. Bye. कहाँ है वो? मैंने किया क्या? मुझे क्या बोलता है? इग्नोर करो, आएगी। अब वो मुझे इग्नोर करिए, फोन तक नहीं किया। क्या अपनी लाइफ की टेंशन मेरे पे मत निकालो। क्या हुआ? ये आपका जो हुलिया है, हाल क्या बना रखा है आपने अपना? क्या हुआ मेरे हाल को? ओके, ये ओके है? आपने अपने बाल देखे? ऐसा लग रहा है कि जैसे भीगा कौवा, उसको किसी ने ब्लो ड्राई कर दिया। मेरे बाल? कोई नहीं, मैं कर देती हूँ ठीक। याद आया मुझे कुछ, अब मेरा हक नहीं है सब करने का। Oh yeah, right. तो तुम्हारे सारे फर्ज, सारा हक तुम्हारे फियांसे ही है, नहीं? बात अभी खत्म नहीं हुई है। किस हक से आपने मेरा हाथ पकड़ा? क्यों कर रही हो ये सब? मैं कर रही हूं या आप कर रहे हैं?
मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जो तुम चाहती हो। अभी भी वक्त है, कह दो ये सब एक नाटक है, सारा सच बता दूंगा एंड आई जस्ट कॉल ऑफ दिस ऑफ। मैं भी आपको यही कह सकती कि सारा ड्रामा बंद कीजिए और सीधे सीधे बोल दीजिए शिवा जो आप बोलना चाहते हैं। तो तुम नहीं मानोगे, आप भी तो नहीं मान रहे, तो ये जिद है। As you wish, अनिका। सोचा एक बार शादी की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले तुमसे पूछ लेता, कैसे रुके मैं तेरे? ये ओके? अगर आपको यही करना है तो ठीक है ना, मैं भी ओके हूं। ओके ओके ओके। भाभी, भाभी क्या हुआ, आप ठीक है ना? यही तो समझ में नहीं आ रहा भव्या, क्या सोचा था और क्या हो गया? एक छोटे से झूठ इतना रहता फैला दिया कि सब कुछ बिखरने लगा। मैं मानती हूं कि इसमें मेरी गलती है, शुरुआत मैंने की थी, लेकिन शिवाय को तो समझना चाहिए था। वो ऐसे मान भी कैसे सकते कि मैं किसी और के साथ शादी कर सकती। वैसे तो उनको मेरी हर बात झूठी लगती है, हर बात, लेकिन ये मंगनी वाला झूठ, झट से उन्होंने उसको सच समझ लिया। वो ऐसे सोच भी कैसे सकते? तो भाभी, भैया ऐसा नहीं सोच सकते, इसीलिए तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। And I'm sure, उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा होगा कि आप किसी और से मंगनी कर चुकी। In fact, हमें लगता है कि भैया ना इस वक्त बहुत दुखी हैं, अपसेट भी हैं और जेलस भी हैं, और शायद इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। And trust me, भाभी, भैया जो भी कर रहे हैं ना वो दिल से नहीं कर रहे हैं, ये सब एक ड्रामा है जो कि ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, और इससे पहले कि बात आगे बढ़े वो खुद ही इस नाटक पर फुल स्टॉप लगा देंगे। सोचती क्या है प्रिया? एक तो मुझे सच नहीं बताएगी, ऊपर से ये शादी का ड्रामा, इट्स ऑल अबाउट हर ईगो, ईगो ईगो ईगो, दैट्स इट। प्रूव करना चाहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी दिखा दूंगा कि मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। Won't push her to that point, कि वो खुद आकर मुझसे सारा सच कहे, मुझे आकर कहेगी कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, कहेगी। भव्य, ये इतना आसान नहीं है, सच में उन्हें बता नहीं सकती, और झूठ मुझसे ज्यादा देर तक बुला नहीं जाएगा। इसे जो भी करना होगा अब शिवाय को करना होगा, और वो भी जल्दी, क्योंकि अब ये ड्रामा मैं और नहीं खींच सकती। खींच तो रहे दोनों, ना वो कम है और ना वो। अच्छी तरह समझाया था कि बात करके गलतफहमियां दूर कर दो, लेकिन नहीं, तड़ी भी तो जरूरी है। ऑफ कोर्स, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर कह देंगे कि हाँ फर्क पड़ता है? मुझे लगता है दोनों की बस की नहीं है, क्या सही है क्या गलत इन्हें पता नहीं है। यू नो व्हाट, यू आर राइट, उन्हें नहीं पता है, और अब तक हम जो कहते आ रहे हैं ना अब करना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। रूडी, ए मेरे पास एक आइडिया है। नो, प्लीज प्लीज, बिना मेरा ब्रिलियंट आइडिया जाने मुझे जज मत करो। पता अपना ब्रिलियंट आइडिया, जस्ट वेट एंड वॉच। कि शिवाय भैया का अनिका शादी अभियान कैसे फ्लॉप होता है। शिवाय भैया के अनिका शादी अभियान को आप ही रोक सकती हैं। प्लीज प्लीज आ जाइए। पर रूडी भैया, हमारे ओंकारा जी के बीच में जो भी हुआ
इसके बाद हम घर कैसे आ सकते हैं? आपको आना पड़ेगा भाभी, हम सबको आपकी जरूरत है। आई नो आपके और रो के बीच में डिफरेंसेस है, पर अभी बात आपकी और रो की नहीं है, बात फैमिली की। पर हम इसमें क्या मदद कर सकते हैं? भाभी सब कुछ आप ही कर सकती हैं। देखिए शिवाय भाई आपकी कोई बात टालेंगे नहीं, और अनिका भाभी सिर्फ आपके साथ ही सब कुछ शेयर करती है। मैं और वो तो अनिका भाभी की कसम के पोछ के नीचे दबे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। पर प्लीज भाभी आप कर सकते हैं, प्लीज आ जाइए। प्लीज ठीक है हम आ जाते हैं। थैंक्स। क्या देख रहे हैं आप? मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? इसकी जरूरत नहीं है, इट्स नॉट योर जॉब। बट आई कैन हेल्प। नो थैंक्स। बट आई कैन हेल्प। रुद्र इसकी कोई जरूरत नहीं है। As a friend, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। हमें नहीं चाहिए फ्रेंड्स। रुद्र देखिए ये हमारी जॉब है, हमारा मिशन है, हमारी प्रॉब्लम है, तो इसे सॉल्व भी हम खुद ही करेंगे, और हम नहीं चाहते कि इसकी वजह से आप या कोई भी और प्रॉब्लम में फंस जाए। मैं प्रॉब्लम से डरता नहीं हूँ, डरता होता तो आपको वापस कभी नहीं बुलाता। आप समझते क्यों नहीं है, हमारी लड़ाई सुल्तान से है, और सुल्तान कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है, और इस वक्त वो मुंबई में है। हम नहीं चाहते कि उसकी वजह से, हमारी वजह से हम आपको, आपकी जान को खतरे में डाल दें। हम हमेशा सब कुछ अपने बारे में नहीं कर सकते, सोच सकते, कभी कभार दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है आपको दूसरों के लिए करना है ना, आप कीजिए, बट हमें आपकी हेल्प नहीं चाहिए, प्लीज। आपको मेरी हेल्प से प्रॉब्लम है या मुझसे? You know what? I think हम आपको नहीं समझा सकते। पर मैं आपको समझता हूँ। कहना बहुत आसान है। हर कोई हमदर्दी दिखाने के लिए यही कहता है। पर समझता कोई नहीं है। इसीलिए किसी का साथ या सहारा ढूंढने की बजाय हम अकेला चलना पसंद करते हैं। आप हमारी इतनी हेल्प करना चाहते हैं उसके लिए थैंक यू, पर अगर आप इस सबसे दूर रहेंगे वही हमारे लिए सबसे बड़ी हेल्प होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।